أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأ المجاري اللهم صل على محمد وعلى محمد وف قلبي ما أنت أهله हमारा आपके साथ दुरूज़ का सिलसिला रोज़े के अहकाम और आज हमारा मौजू है मुब्तिलात रोज़ा में सबसे पहले अच्छा दोनों के मसाइल बयान कर रहे हैं आयतुल्लाह सिस्तानी साहब आयतुल्लाह खमनाई साहब। खाना पीना जो जानबूझ कर हो और हालत इख्तियार में हो, तो अगर सहवन खाया जाए या भूल के खाया जाए, निस्यान से खाया जाए, वो रोज़े को बातिल नहीं करता है। अच्छा जो जानबूझ के खाया जाए, क़त नज़र इसके कि खाना मामूल का हो या गैर मामूल का, यानी उमूमन वो चीज़ें खाई पी जाती हों, मसलन रोटी पानी वगैरह, या उमूमन वो चीज़ें ना खाई जाती हों, मसलन मिट्टी वगैरह, इख्तियार से खा लिया जाए तो रोज़े को बातिल कर देता है। नंबर दो, जमा करना यानी अज़दवाजी ताल्लुक़ को कायम करना, चाहे मनी खारिज हो या ना हो, यानी स्पर्म खारिज हो या ना हो, रोज़े को बातिल कर देता है। नंबर तीन, इस्तिमना यानी जमा के अलावा कोई ऐसा फेल करना इसके नतीजे में मनी यानी स्पर्म खारिज हो जाए। इस लिहाज से अगर बेइख्तियारी में स्पर्म खारिज हो जाए, मनी का इखराज हो जाए, सोते हुए में हो जाए एहतलाम, तो ये रोज़े को बातिल नहीं करता है। नंबर चार, खुदा पर, रसूल खुदा पर और आइमा तहरीन से झूठ बात मंसूब करना। यहाँ पर एक फ़र्क के साथ है कि आयतुल्लाह खामनाई साहब इरशाद फरमाते हैं खुदा पर, अम्बिया पर और आइमा से झूठी बात मंसूब करना एहतियात की बिना पर रोज़ा बातिल हो जाएगा। सिस्तानी साहब इरशाद फरमाते हैं खुदा पर, रसूल पर और आइमा पर कोई झूठी बात मंसूब करे जानबूझकर तो रोज़ा बातिल हो जाता है। आप देखिए दोनों में फ़र्क यह है कि खामनाई साहब ने अम्बिया को भी शामिल किया है, जबकि आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने इरशाद फरमाया खुदा, रसूल खुदा और आइमा पर अगर कोई जानबूझ के झूठी बात मंसूब करे तो रोज़ा बातिल हो जाता है। चाहे वो बाद में ये भी कह दे कि नहीं जो मैंने कहा था वो झूठ था, तब भी एहतियात के बिना पर उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी साहब इरशाद फरमाते हैं एहतियात मुस्तहब है कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तमाम अम्बिया मुरसलीन से भी कोई झूठ बात मंसूब करे तो यही हुक्म है। तमाम अम्बिया आयतुल्लाह सिस्तानी ने मुस्तहब लगाई है, जबकि आयतुल्लाह खामनाई ने रोज़ा बातिल करने में उसको शुमार किया है। नंबर पाँच, गर्द व गुबार का हल तक पहुँचना। दोनों मुज्तहिदीन इस मसले में एहतियात वाजिब लगाते हैं, लेकिन गर्द व गुबार कैसा हो? गाढ़ा गर्द व गुबार, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना अरबी में लफ्ज़ गलीज़। अच्छा, गलीज़ हमारे यहाँ उर्दू में गंदा के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि अरबी में गलीज़ गाढ़ा। तो अगर गाढ़ा गर्द व गुबार हल तक पहुँचे तो रोज़े को बातिल कर देता है। अच्छा, अगर गर्द व गुबार गाढ़ा ना हो तो वो रोज़े को बातिल नहीं करता है। अच्छा, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिस चीज़ का गुबार हल्का पहुँचाए वो खाने वाली चीज़ थी या नहीं। मसलन झाड़ पोंछ करते हुए गर्द व गुबार पहुँची है, चूँकि मिट्टी है, गर्द व गुबार है, खाने वाला नहीं है लेकिन गर्द व गुबार पहुँचा है, या फिर कोई चक्की में काम करता है, आटे का गर्द व गुबार है, आटा हल तक पहुँचा है, तो चाहे वो चीज़ खाने वाली हो या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गर्द व गुबार गाढ़ा हो वो रोज़े को बातिल कर देता है। नंबर छः, कोई शख्स जानबूझकर माह रमज़ान या उसके क़ज़ा रोज़े में अज़ान सुबह तक जनाबत, हैज़ या नफास की हालत में रहे तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। अगर कोई शख्स जुनूब हो गया है और वक्त तंग है, या अमदन तो उसने लेट किया लेकिन अब वक्त इतना तंग हो गया है कि गुस्ल का टाइम नहीं बचा, तो दोनों मुज्तहिदीन इरशाद फरमाते हैं कि वो तयम्मुम करे और रोज़ा रख ले, उसका रोज़ा सही है। अब नंबर सात, किसी सयाल चीज़ से हुक्ना लेना, इनीमा लेना, ये क्या है? इनीमा लेना, हुक्ना लेना, यानी मेदे की सफाई मकत के ज़रिए से, या आंतों की सफाई, आंतों से चीज़ों का निकालना मकत के ज़रिए से, या फिर कब्ज़ को दूर करने के लिए देखिए एक मखसूस किस्म का इलाज किया जाता है, जिसमें मकत यानी मकामे स्टूल, मकामे पखाना से दवाई दाखिल की जाती है। ये दवाई लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, खुश्क भी हो सकती है। अब अगर दवाई लिक्विड है जो मकत से दाखिल की जा रही है,
तो दोनों मुश्तहिदीन की निगाह में अगर लिक्विड चीज़ से इनीमा लिया जा रहा है तो रोज़ा बातिल है, लेकिन अगर लिक्विड चीज़ से ना हो, माया से ना हो, सॉलिड चीज़ से हो, तो सॉलिड चीज़ से इनीमा लेना, हुक्ना लेना रोज़े को बातिल नहीं करता है। इसी तरह खुश्क चीज़ से इनीमा लेना रोज़े को बातिल नहीं करता है, मगर खुश्क चीज़ से इनीमा लेना कराहियत रखता है। अब नंबर 8, वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल करती हैं, 8वीं चीज़, जानबूझकर कह करना। लेकिन अगर सहवन करता है, बे इख्तियार करता है, तो ये रोज़े को बातिल नहीं करता। जैसे उमूमन हमारे माशरे में मशहूर है, उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है, ऐसा नहीं है। अगर बे इख्तियार उसको उल्टी आ गई है, भूले से, गलती से उसने उल्टी कर ली है, जानबूझ के नहीं था, बे इख्तियार हो गया, यहाँ पर उल्टी करना, कह करना उसके रोज़े को बातिल नहीं करता है। सिस्तानी में मुब्तिलात रोज़ा ये 8 हैं, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई साहब एक चीज़ का इजाफा फरमाते हैं, जैसे कि दीगर मुश्तहिदीन में भी मौजूद है, नवी चीज़ जो रोज़े को बातिल करता है, मुकम्मल सर को पानी में डुबोना भी जानबूझकर ऐसा करना रोज़े को बातिल कर देता है। एहतियात वाजिब की बिना पर अगर कोई सर नहीं डुबो रहा, बल्कि बदन पानी के अंदर है लेकिन पूरा सर नहीं डुबोया है, बदन पानी के अंदर है, सर बाहर है, आया ये दुरुस्त है? आगे कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ये रोज़े को बातिल नहीं करता। इसी में अगर कोई बे इख्तियार पानी के अंदर गिर जाए, पूरा सर जो है वो पानी के अंदर डूब जाए, तब भी आगे इरशाद फरमाते हैं रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन फ़ौरन सर को पानी से बाहर निकाल ले तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। यही मसले में अगर कोई गौताखोर है, ठीक, ऐसा स्विमिंग ड्रेस पहन रहा है जिससे वो पूरा कवर हो गया है और पानी उसके सर तक नहीं पहुंच रहा है, आगा कहते हैं ऐसे ड्रेस पहनने के बावजूद भी रोज़े का सही होना महले इश्काल है, एहतियात के बिना पर इस रोज़े की कज़ा करनी ज़रूरी है। आयतुल्ला सिस्तानी साहब इरशाद फरमाते हैं रोज़े की हालत में सर को पानी में डुबोना शदीद मकरूह है, एहतियात मुस्तहब यह है कि सर को पानी में न डुबोया जाए, लेकिन मुकम्मल सर को पानी में डुबोना अगर तशद्दुद कराहियत रखता है, लेकिन रोज़े को बात